नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, तो कैसी रही आप सभी की दिवाली? दिवाली के बाद एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आज वापस फिर से, और उम्मीद करेंगे कि आप वापस ट्रैक पे आ चुके होंगे और आपने अपनी तैयारी जो है वो शुरू भी कर दी होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बहुत ही गुड न्यूज थे वो ये कि डेली क्लास की पीडीएफ आपको आंसर की के साथ में मिल जाएगी और लिंक मैंने लगवा दिया है कमेंट बॉक्स में। वीडियो के एंड में जब आप कमेंट करते हैं उसी कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस का पेपर आने वाला है बहुत जल्द, तो आई होप कि आपने दिवाली भी सेलिब्रेट करी होगी और आपने आपके एग्जाम की तैयारी भी नहीं छोड़ी होगी। तो 5000 क्वेश्चन की सीरीज हम कर रहे थे। यूट्यूब पर क्लासेस का टाइमिंग आपको सामने दिख रहा है, कौन से एग्जाम के लिए किस टाइम पढ़ाता हूँ, किस चैनल पे पढ़ाता हूँ। बगल में चैनल का नाम लिखा हुआ है, यूट्यूब चैनल का नाम। आप सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन करके डेली मेरे साथ इन समय पर पढ़ सकते हैं। और अगर अनअकेडमी की बात करूं दोस्तों, ये बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप बेसिक से पढ़ चुके हैं और आप अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये क्लास ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 20 सेकेंड के ज़्यादा टाइम मैं किसी क्वेश्चन में नहीं देता हूँ। ठीक है, पिछले 3-4 महीने से ये क्लासेस चल रही है, कंटिन्यूसली 5 से 6 चलती है। यहाँ पर 20 सेकंड का ही समय आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि आपको 20 सेकंड के अंदर ही अपने क्वेश्चंस को करना है। नहीं बनेंगे तो आप अपने आप को पुश करोगे, अपने लिमिट्स को पुश करोगे, इससे आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट का टाइम दे दिया आराम से करूँ, नहीं, 20 सेकेंड्स मतलब 20 सेकेंड, क्योंकि एसएससी की रीजनिंग 20 या 30 सेकेंड में आराम से हो जाती है। तो ये डेली का टेस्ट है, सभी लोग दीजिए अनअकेडमी पर। अब आप कहोगे सर ये क्लास मिलेगी कैसे? दोस्तों, उसके लिए भी मैंने आपका सोल्यूशन निकाला हुआ है, सभी लोग इस सोल्यूशन को ध्यान से देखिएगा, मैं बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको एक लिंक मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि मेरी अनअकेडमी की प्रोफाइल का है। आप डायरेक्टली जब उसको क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे मेरी अनअकेडमी की प्रोफाइल में। वहां पर जाकर ऑल फ्री क्लासेस सी ऑल करके आप करना, सी ऑल क्लासेस, वहां पर आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। ये 5 से 6 बजे वाली क्लास भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। पिछले 3 से 4 महीने में जितनी क्लासेस करी है, जितने भी 5000-6000 क्वेश्चन करे, सारे जाकर देख लो, आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही अब एक जरूरी अनाउंसमेंट है, वो ये कि अगर आपने अभी तक अनअकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया और आप लेना चाह रहे हैं, कि आपने सोचा चलो ठीक है दिवाली के बाद ले लेंगे या अगले महीने ले लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी और बैंकिंग दोनों का ही प्राइस हाइक होने वाला है, मतलब कि प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। तो अगर प्राइस बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम भी होगी, तो सभी लोग प्राइस हाइक होने से पहले एसएससी बैंक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं फिर पछताएं। ठीक है, प्राइस हाइक होने वाला है तो इस पे ध्यान रखिएगा। एसएससी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कंप्लीट रीजनिंग का बेसिक बैच भी आ चुका है। बेसिक से पढ़ने के लिए 8 अक्टूबर का ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, बेसिक से पूरा मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो भी आप प्रीवियस क्लासेस पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, रात 10 बजे क्लासेस होती हैं। अनअकेडमी का एप्लीकेशन आपको सीधे डाउनलोड करना है, वहां पर मेरी प्रोफाइल सर्च करना है, आकाश चतुर्वेदी। प्रोफाइल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, सभी लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं आगे जाऊं तो इस तरीके की प्रोफाइल दिखेगी, यहाँ पर आपको सिंपली बस करना क्या है, फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के ठीक बाद आपको एक मैसेज करने का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर देता हूँ। यही है वो फ्री क्लासेस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी फ्री क्लासेस उठाकर आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ये सभी क्लासेस में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सभी लोग देख लीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। प्लस कोर्स की अगर बात करें तो प्लस कोर्स जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला है। अनअकेडमी के एप्लीकेशन पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एसएससी गोल के अंदर, ठीक है, मुझे सर्च कर लेना, मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी। आप जैसी मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे तो एक कोई कोर्स दिख रहा होगा आपको 8 अक्टूबर का, उसके नीचे लिखा होगा गेट सब्सक्रिप्शन, इस पर क्लिक कर देना। आगे जाएंगे तो 1 साल 2 साल 6 महीना जो भी आप चाहे उसको ले सकते हैं। EMI यानी कि किश्त में भी अब आप अपनी इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं, तो 450 प्रति महीना या 270 रुपये प्रति महीना, जो भी आप चाहे उसको कर सकते हैं। नो कॉस्ट EMI यानी कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपका। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस पर भी डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, CHATUR10। मेरे कोर्स से जुड़ने के लिए आपको मेरा CHATUR10 रेफरल कोड डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये एंटर करना है कैपिटल में बिना स्पेस के साथ, CHATUR10। दोस्तों, इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? रीजनिंग पूरी बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ्स पूरी बेसिक से आपको मिलेगी, जिस फैकल्टी से आप बोलेंगे उस फैकल्टी का कोर्स बेसिक से वहां मिल जाएगा। इंग्लिश पूरी बेसिक से जीए जीएस पूरी बेसिक, यानी कि कंप्लीट बेसिक कोर्स होगा। ऐसा नहीं कि एक सिंगल पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए फीस है, नहीं, ये पूरा कंप्लीट बेसिक कोर्स होगा। एक बार देखो चाहे हजार बार देखो, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन चलेगा, वैलिडिटी रहेगी, तब तक आपको सारी क्लासेस करने का मौका मिलेगा, कितनी बार भी देखो। दूसरी बात, डेली के क्विजेज होंगे, डेली के मॉक टेस्ट होंगे और डेली की लाइव क्लासेस होंगी, डेली की पीडीएफ मिलेगी, कंटेंट मटेरियल मिलेगा और टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है एक ही पैकेज के अंदर। तो जिसको बेसिक से पढ़ना, जो तैयारी करना चाहता है अब अगले साल की पूरी देखो, इस साल तो पेपर की डेट्स आ गई हैं, ऑलमोस्ट होने वाले हैं, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई बेसिक्स पढ़ना है कि अगले साल की, जैसे सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है, सीएचएसएल की आ चुकी है और बैंकिंग की आने वाली है, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्राइस हाइक होने से पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर बेसिक जरूरी, देखो बार बार मैं बेसिक बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर जो हम पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ने के बाद फिर हम आते हैं और हम सिर्फ एग्जाम्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, बट कहीं ना कहीं बेसिक हमारा रह जाता है। तो इत्मीनान से मैं आपको पढ़ाता हूँ बेसिक, एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, जितना आप बोलें उतना, और जितनी बार आप पूछना चाहें वहाँ पर उतनी बार मुझसे पूछें। यानी कि 10 बार भी पूछोगे तो मैं 10 बार आपको बताऊंगा, उधर पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप मुझसे पूछ नहीं सकते। जितनी बार डाउट आएगा उतनी बार पूछिए, ठीक है। तो बेसिक का यही मतलब होता है, बेसिक करिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और उसके बाद जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है उनको जानिए और बस आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी इसी की तरीके से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों, ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर, जल्दी से लगाइए इसका आंसर 20 सेकेंड में। हर क्वेश्चन के लिए हम 20 सेकंड देते हैं, तो कोशिश करो जरा 20 सेकंड में। जिसको सिलेक्शन लेना है वो क्वेश्चन को देखते ही साथ करना शुरू कर देगा और तो 20 सेकंड में हो भी जाएगा, ये मान के चलिए आप। चलिए, तो यहां पर 20 सेकंड खत्म हुए आपके, ओके। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ गए हैं और आंसर भी कहीं ना कहीं सही आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर अब सभी लोग। देखिए दोस्तों, ऑफ द 5 विलेजेस पी क्यू आर, यानी कि 5 गांव हैं एक दूसरे के आसपास कहीं पर है। तो पी जो है वो वेस्ट में, यानी कि पश्चिम में क्यू के, तो क्यू कहीं ना कहीं तो होगा, और क्यू के पश्चिम में कौन सा विलेज, पी वाला विलेज आ गया। आर जो है वो साउथ में है पी के, यानी कि दक्षिण में है पी के, ये आ गया भाई। उसके बाद बोला गया टी जो है वो उत्तर में है क्यू के, तो देखिए दोस्तों टी को क्यू के उत्तर में बना देंगे, यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है, ये क्यू है हमारा। उसके बाद आपसे बोला गया है, और एस जो है वो टी के पूरब में है, तो ये बन जाएगा आपका एस। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए कि आर किस दिशा में है विथ रिस्पेक्ट टू एस। एस से देखने पर आर की क्या दिशा आ रही है, तो आप कहेंगे सर एस से देखने पर, देखिए ये कौन सी दिशा है, नीचे वाली दिशा होती है साउथ यानी कि दक्षिण, और ये दिशा होती है वेस्ट, तो दोनों के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन समय शुरू होता है, बताइए आंसर सभी लोग जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर था साउथ वेस्ट सभी लोगों का, इसका आंसर बताइए। आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है और वो है इसकी पेयरिंग करना, पहले काउंट करो कितने हैं, उसके बाद पेयरिंग करो। सो दोस्तों यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 20 है। तो अगर 20 है तो एक काम करेंगे, या तो हम 4 4 के 5 पेयर बनाएंगे या फिर हम 5 5 के 4 पेयर बनाएंगे। दोस्तों देखिए इसमें एक हिट एंड ट्रायल है कि मतलब या तो आप 4 4 के 5 बनाओ आपका काम हो जाए, या फिर आप 5 5 के 4 पे जाओगे। अब आपका एक काम है कि भाई आप 4 4 के बनाओ या 5 5 के, दोनों को आपको बना के देखना है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 4 4 के 5 बनाने से काम नहीं चलेगा और आपने देख भी लिया होगा काफी लोगों ने। यहाँ पर दोस्तों अगर आप 5 5 के 4 पेयर बनाते हो तो इससे काम चल सकता है। 1 2 3 4 5 ये देखिए, 1 2 3 4 5 ये देखिए, 1 2 3 4 5 उसके बाद 1 2 3 4 ज्यादा काउंटिंग में कुछ गलती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो 5 5 के 4 बनाने पड़ेंगे। डैश कितने हैं, 3 2 5 5 है, सही तो है, 1 2 3 4 5, तो एक बनेगा यहां से 1 2 3 4 5। अच्छा मैंने शायद लाइन गलत खींच दी थी, 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल सही है, 5 5 के 4 पेयर बन गए यहाँ पर, पहले मैंने लाइन गलत खींच दी थी। तो 5 5 के 4 पेयर बनने के बाद अब ये बताइए दोस्तों, यहाँ भी ए भी आ रहा है, पहले में भी ए भी है, दूसरे में भी ए भी है, तो इसका मतलब ये रिपीट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ए बी के बाद डैश है, फिर बी है, फिर बी के बाद सी है, तो बी के बाद यहाँ क्या आएगा, सी आएगा, आएगा। देखिए यहाँ भी ए बी डैश बी सी है, यहाँ भी ए बी डैश बी सी है, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, सारे के सारे जो है रिपीट होने वाले, सारे के सारे रिपीट होने वाले। अगर सारे के सारे रिपीट होने वाले हैं तो ए बी के बाद जो भी आएगा यहाँ पे, ए बी के बाद जो भी आएगा वो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब सिर्फ एक जगह पर C आएगा, लेकिन बाकी दोनों जगह पर जो भी आएगा एलिमेंट वो सेम आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही सिर्फ बीच में C है और बाकी दोनों जगह पर क्या है, D है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए बी डी बी सी, ए बी डी बी सी, ए बी डी बी सी, ए बी डी बी सी। इसको करने का यही तरीका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ठीक है, समय समाप्त हुआ। देखिए करेंसी है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, आपने बता भी दिया होगा, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी गया है। आंसर लगाया है क्या, जो कि बिल्कुल सही है। इराक की करेंसी दिनार है, मुद्रा। म्यांमार की करेंसी होती है कयात, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है, बताइए आंसर सभी लोग जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए समय समाप्त हुआ। ये बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ SLUMBER, आगे आपको दिया हुआ है TKR NQD और A, सही है। चलो ये बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ है 19 12 21 13 2 5 18। आपको पता है कि सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो प्लेस वैल्यू लिखने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए, हो जाता है। तो चलिए एक बात बताइए सभी लोग जल्दी से कि यहाँ पर क्या क्या करा जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो हम कर सकते हैं वो ये है, देखो पहले का दूसरे से तो हमें मैच नहीं बैठ रहा है ना, लेकिन अगर 3 3 का पेयर डिवाइड कर दें, देखिए 19 में 1 घटाया तो 18 होगा, ठीक है, और 21 में 1 घटाया तो 20, और 12 में 1 घटाया तो 11, यानी कि इस पूरे में हमने क्या किया है, माइनस का 1 किया है। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या हुआ है, यहाँ तो यार सीधे सीधे प्लस का 1 हो गया है। ठीक, इधर देखो 2 में 1 घटाया तो 1, 18 में 1 घटाया तो 1, ठीक है, और 5 में घटाया तो 4, यानी कि यहाँ पर भी हमने -1 किया। बिल्कुल सही है दोस्तों, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। सेम हम करेंगे पर्पस के साथ, तो आप मुझे बता दीजिए करके कि पर्पस को इस तरीके से करने के बाद क्या आएगा। पर्पस PURPOSE, तो क्या करेंगे, देखो भाई 1 माइनस करना है, P में से 1 घटाया तो O यहाँ आना चाहिए, R में से 1 घटाया तो 17, यानी कि Q यहाँ आना चाहिए, Q से शुरू होगा, Q से शुरू होने वाले सर 2 ही ऑप्शन है, और तीसरे नंबर पर O आ रहा है, तो Q और तीसरे नंबर पर O आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर D में, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब, बताइए। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर समय समाप्त हो गया। आपसे पूछा गया कि 3 के बाद 27 243। आपको पता है 3 3 का क्यूब और 243 एक ये भी किसी का क्यूब होता है, क्या मत देना क्यूब होता है 343 यानी 343 होता है, 243 किसी का क्यूब नहीं होता है। आप सोचो सर 3 का क्यूब तो आपका 27 हो जाएगा, फिर 243 7 का क्यूब, ऐसा मत करना ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है। तो चलो भाई अब इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर 3 का गुणा अगर मैं 9 में करता हूँ तो 27 आएगा, 27 का गुणा अगर मैं 9 में करता हूँ तो 27 × 9 कितना होता है 243। इनका भी गुणा कर दीजिए 9 में तो कितना आएगा 21 87। इसका भी गुणा 9 में करिए तो कितना हो जाएगा 21 87 का गुणा अगर मैं 9 में करता हूँ तो आंसर बचेगा जिसमें लास्ट में 3 आएगा यूनिट डिजिट पर। तो यूनिट डिजिट पर 3 जो है वो एक ही में दिख रहा है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन समय शुरू होता है, बताइए इसका आंसर सभी लोग जल्दी से। लास्ट वाला जो लिखा हुआ है पोलिंग लिखा हुआ है, पोलिंग आई थिंक आपको दिख रहा होगा मेरे सर से, पोलिंग पोलिंग मतदान पोलिंग, इसका एक सही क्रम लगाइए सभी लोग जल्दी से ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने देखा कि आपको बताना था कि भैया यहाँ पर एक सही पोल मतलब सही क्रम क्या हो सकता है ठीक है। दोस्तों देखिए सबसे पहले आप नामांकन करोगे यानी कि नॉमिनेशन भरोगे, नॉमिनेशन के बाद आप कैंपेन यानी कि अपना जो भी अभियान है उसको चलाते हो, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए आपके पास 4 के बाद कैंपेन, कैंपेन के बाद अगर हम चलें तो आप मतदान दोगे, मतदान के बाद आपका रिजल्ट आएगा यानी कि 5 और 1 और उसके बाद आपकी शपथ होगी 1 अगर हम चयन के हिसाब से चलें तो सॉरी 3rd पे है 3rd पे यानी कि 4 2 5 1 3 4 2 5 1 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा 4 2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन समय शुरू होता है, बताइए आंसर सभी लोग जल्दी से। बिल्कुल सही है लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर बताइए सभी लोग। देखिए यहां पर लिखा है मदर महिला, तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी महिला है ठीक है वुमेन उनके अंदर ही मदर आएंगी, ये बात तो पक्की है। अच्छा ये बताइए आप पायलट का क्या करें, तो देखिए दुनिया में जितने भी पायलट है उनमें से कुछ माँ भी है और कुछ महिला भी है बट सब तो नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका पायलट का हिस्सा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन समय शुरू होता है, पीकू देखिए दोस्तों यहाँ पर पीकू के जो फादर है वो है कानू, पीकू के पिता जो है वो है कानू, और उसके बाद बोला गया है पीकू के जो फादर है कानू वो पैटर्नल अंकल यानी कि चाचा है बबलू के। अगर ये बबलू के चाचा हैं तो यहाँ पर कोई इनका भाई होगा जिसका बेटा या बेटी कोई होगा वो होगा बालू, अच्छा बालू है बालू, तो बालू के चाचा हो गए कानू, और अंजलि एंड अंजलिज हस्बैंड मितुल, और जो अंजलि के हस्बैंड है मितुल वो पैटर्नल अंकल है पीकू के, यानी कि पीकू के जो चाचा हैं वो कौन है, वो है अंजलि के हस्बैंड, यानी कि मितुल को यहाँ पर आ जाना चाहिए और ये किसके हस्बैंड है अंजलि के हस्बैंड है ठीक है, हस्बैंड है तो फिर ये प्लस आ गया ठीक। आपसे क्या बोला जा रहा है, खत्म कहानी ठीक। पीकू के बारे में पता नहीं, बालू के बारे में पता नहीं, उनका जेंडर क्लियर नहीं हुआ। ये बताइए कि अंजलि का रिश्ता बालू से क्या होगा, हाउ इज अंजलि रिलेटेड टू बालू, अंजलि का रिश्ता बालू से क्या होगा ये बताइए। यही तो है, यदि पीकू के पिता कानू बालू के मामा, अच्छा ये मामा लिखा हुआ यार हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। तो इंग्लिश वाले से तो आंसर ही नहीं आ सकता, क्योंकि अंजलि का रिश्ता जो होगा बालू से तो माँ का होगा, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन हिंदी वाले में दोस्तों माफी चाहूंगा, इसमें पैटर्नल अंकल का मतलब चाचा होता है, इंग्लिश में चाचा लिखा हुआ है बट यहाँ पर मामा लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, हिंदी वाला चेंज करके इसको पैटर्नल अंकल यानी कि चाचा ही बना देते हैं। ठीक है, इसको अपन चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं चाचा। यहाँ पर सभी लोग लिख लीजिएगा कि इसका मतलब है चाचा। ठीक है, तो पीकू बालू के चाचा हैं और अंजलि के पति मितुल पीकू के, इनको भी चाचा करो, पैटर्नल लिखा है तो इनको भी चाचा करो, ये भी चाचा हो गए। अब सही है, तो अंजलि बालू से क्या है भाई, अंजलि जो है वो बालू की मदर यानी कि माँ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। अच्छा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 81 से 63 बनाया है तो 74 से क्या बनाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 81 से 63 कैसे बन सकता है। देखिए 8 और 1 को जोड़ दो, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो 8 और 1 को घटा के, क्योंकि ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 63 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 74 की बात करूं तो 74 में हम क्या करेंगे, 7 में जोड़ देंगे 4 को और मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 4 को घटा के, 7×4=11 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर कितना आएगा 33, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन समय शुरू होता है, बताइए आंसर सभी लोग जल्दी से। देखिए दोस्तों, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो टफ भी हो जाते हैं, कभी कभी है ना, कभी कभी टफ हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप कहोगे सर ये आसान है और हम आराम से कर भी सकते हैं, क्योंकि देखिए ए का ऑपोजिट जेड होता है, डब्ल्यू का ऑपोजिट डी होता है, ठीक है, यू का अपोजिट एफ होता है, क्यू का अपोजिट जे जैकलीन, ओ का अपोजिट एल होता है और के का अपोजिट पी होता है, ये भी सही है। आई का अपोजिट आर होता है जो कि यहाँ नहीं दिया है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, तो आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सभी में एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में अपोजिट नहीं लिखे हुए, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर मैं आपको बोलूं तो इसका एक और लॉजिक भी बन सकता है, वो ये कि अगर आप सभी की प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे, जैसे कुछ लोग करते हैं ना प्लेस वैल्यू को जोड़कर भी करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप सभी की प्लेस वैल्यू जोड़ोगे तो इसको जोड़ने पर आएगा 26 और 6, 3, 9, 4, 9 और 4, 13 और 1, 14, 14 यानी कि 54, 54 आ रहा है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, 21 + 17 + 10 + 6 तो 8, 6, 24 और 10, ये भी 54 आ रहा है क्या, सही है ना। 6 और 7 और 1 8, 8 से 14, 14 की यहाँ से ले, हाँ ये भी आपका 54 ही आ रहा है। आप लोगों का आंसर आ रहा है 54, 8 से 14 करके देख लेना एक बार ढंग से, 7 और 1 8, 8 से 14 सही लिखा है हमने, हाँ लिखा तो सही है, 14 की यहाँ से ले, हाँ 3, 2, 5 ये भी 54 आ रहा है। तो भैया देखो इसको भी जोड़ने पर 54 आ रहा है और ऊपर वाले को जोड़ने पर भी 54 ही तो आ रहा है। 23 + 26, 3, 6, 3, 9, 2, 2, 4 और 5, ठीक है ये भी 54 है। इन वाले को जोड़ो जरा, 15 + 11 + 16 + 12, ठीक है 16, 12, 28, 28, 10, 39, 28, 10, 38 और 1, 39, 39 और 15 कितना हो जाएगा 39, 15, 14, लो यार ये भी 54 आ गया। तो ये भी जोड़ने पर देखिए 54 आ रहा है, तीनों को जोड़ने पर 54 आ रहा है, लास्ट वाला इसका मतलब नहीं आ रहा होगा। फिर 9 + 4 + 23, अब ये भी एक लॉजिक है यार, सबको जोड़ने पर 54 आ रहा है बट उसको जोड़ने पर नहीं आएगा। 9, 4, 13 तो 23 और 13 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, 3, 4 हासिल 1, 2 और 1, 34, 34 और 9 जोड़ दीजिए, ये नहीं आ रहा है, सही क्या नहीं, 3, 3, 6 हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिए, या ये आ रहा है आपका 45, 45 ये आ रहा है आपका 45, यानी कि सबको जोड़ने पर 54 आ रहा है, लेकिन लास्ट वाले को जोड़ने पर 54 नहीं आ रहा है, 45 आ रहा है। उस लिहाज से भी आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। अगला क्वेश्चन समय शुरू होता है, बताइए आंसर सभी लोग जल्दी से। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा सभी लोग। देखिए यहां पर दिया हुआ है पीयर, PEAR, और पीयर की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 7 5 1 9। क्या लिखी हुई है? 7 5 1 9। उससे ये बताइए कि P की वैल्यू वैसे तो 16 होती है, 16 को ओवर में आपस में जोड़ देता हूं, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। E की वैल्यू तो 5 होती है, 0 5, इनको आपस में जोड़ दीजिए कितना मिलेगा हमें? 5। ये होता है 0 1, इनको जोड़ दिए कितना हो जाएगा? 1। और ये होता है 18 को आपस में जोड़ दी कितना मिलेगा? 9। यानी कि सभी वैल्यू को आपस में जोड़ने पर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से हम टॉयल भी करेंगे, इसी तरह से डॉक्टर को भी करेंगे। तो DOCTOR डॉक्टर, डॉक्टर में क्या करेंगे? 4 का तो 4 ही बनेगा, ये होता है 15 15, यानी कि 6, ये 3 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 6 बनेगा और ये 9 बनेगा। 4 6 3 2 6 9, 4 6 3 2 6 9। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है। आप कितने त्रिभुजों की संख्या आपको दिख रही है इसमें? कितने त्रिभुज दिख रहे हैं बताइए सभी लोग जल्दी से। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर। ध्यान से करना, आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा गलती ना हो पाए, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6, और 6 का डबल करो कितने मिलेंगे? 12। 12 के बाद 1 तो ये मिल गया आपको 13। 13 के बाद देखिए दोस्तों यहाँ से 1 और 1 2 कितने मिलेंगे? 3। 13 और 3 कितने हो गए? 16। 16 के बाद देखिए सभी लोग 1 बनेगा ये वाला 17 और 1 बनेगा ये वाला 18, तो 2 और मिल गए 18। और देखिए कोई मिलेगा? और जितने भी जो आप लोग अगर देख रहे हो या बता रहे हो वो डबल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर से रिपीट हो रहे हैं। आंसर होगा 18। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन समय शुरू होता है, बताइए आंसर सभी लोग। ये तो बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन, अगर आपने ऑप्शन देख लिए होंगे तो ऑप्शन से आप आंसर लगा दोगे, इसका लॉजिक ऑप्शन से ही पता चल जाएगा आपको। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 3 13 196, तो 3 का स्क्वायर 9 और 13 का स्क्वायर 169, 9 + 169, ये तो नहीं बैठेगा। लेकिन अगर मैं, अच्छा ये हटाओ जरा, ये तो नहीं बैठ रहा है। अच्छा ये बताओ अगर मैं 3 का क्यूब करता हूं और 13 का स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा 27 + 169, तो यहाँ पर 7 6, हाँ ये आ सकता है 190, हाँ ये आ रहा है 196। 3 का क्यूब और 13 का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर कहीं पर हो रहा है क्या? 3 का क्यूब और 13 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 13 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, तीन का क्यूब और 13 का स्क्वायर पहले में आ रहा है क्या? ये भी नहीं बैठ रहा है। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? क्योंकि यहाँ पर 216 को अगर हम जोड़ेंगे तो 72, वो भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं बैठ रहा है। 5 का स्क्वायर 25, यार ये बैठ रहा है लेकिन ये 5 के स्क्वायर पे बैठ रहा है। 5 का स्क्वायर 25 और 15 का स्क्वायर 225 प्लस 25 250, ये तो बैठ रहा है। 4 का स्क्वायर 14, 14 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 190, ये तो बैठेगा नहीं। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई वैल्यू गलत है, फिर इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर ही सही चलेगा, बट यहाँ पर ये वैल्यू गलत लिखी हुई है। ये बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 3 का जो स्क्वायर है वो जाता है हमारा 9 और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। उससे इनको जोड़ दीजिए, अगर हम इनको जोड़ देते तो यह आ जाएगा 178। तो अगर मैं यहाँ पर काट के 196 की जगह पर अगर मैं यहाँ पर काट के 178 लिख दूं तो क्या ये बात सही हो सकती है? चलिए देखते हैं क्या ये बात सही हो सकती है। देखिए 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आएगा और 15 का स्क्वायर यानी कि 225 आएगा, दोनों को जोड़ने पर 250। अब ये सही बैठेगा ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू थी वो गलत थी। एक्चुअली 196 ना होकर 178 होना चाहिए, तो ये फॉलो कर जाएगा। ठीक है, मिसप्रिंटिंग है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन समय शुरू होता है 6 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी? सभी लोग बताइए जल्दी से, 6 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी? छह के विपरीत में कौन सी संख्या होगी? चलिए देखिए यहाँ पर 3 1 6 किसी भी एक को ले लो, 6 के विपरीत पता करना है आपको। तो एक काम करो आप यही ले लो, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 6 लिखा 6 लिखा, 6 से आगे गए 1 मिला, 6 से आगे गए 1, 1 के बाद 3, 6 से आगे गए 2 मिला और 2 के आगे 5। तो 3 और 5 विपरीत होंगे, 2 और 1 विपरीत होंगे, तो बच्चा कौन? 6 का विपरीत 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समय शुरू होता है, बताइए आंसर सभी लोग जल्दी से। ठीक है, समय समाप्त। चलिए बताइए आप लोगों ने आंसर क्या दिया इस क्वेश्चन का। 4 से 10, 10 से 10 दूनी 20, 4 दूनी 8 +2, 10 दूनी 20 +7, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि फिर 27 से 140 तक जाने के लिए हमें दिक्कत हो सकती है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, 4 दूनी 8 +2 10, 10 तिया 30 -3 कर दो तो 27, और 27 का गुणा मैं किस में कर दूं? देखो 27 का गुणा अगर आप 3 में 4 में करते हो तो नहीं पहुंच पाओगे। 27 का गुणा करो फिर आप 5 में, तो 5 में हाँ पहुंच जाओगे। 27 का गुणा अगर आप 5 में करते हो, ठीक है, और इसमें जोड़ भी देते हो 5 का ही, क्योंकि ये हो जाएगा 135, 135 +5 140। तो यहाँ पर आपको गुणा किसका करना पड़ेगा फिर? 7 का, और माइनस भी कितना करना पड़ेगा? 7। तो खत्म कहानी। बता दो भाई आंसर क्या होगा? 14 × 7 कितना हो जाएगा भाई? 14 × 7, मेरी मैथ तो खैर आपको पता ही है कितनी अच्छी है। ये हो जाता है 98, है ना। और 98 का मतलब 980, और 980 में अगर मैं 7 घटा दूंगा तो 973, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन समय शुरू होता है, बताइए आंसर। चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। ये तो आसान सा लग रहा है, 1 से 0, 3 से 8, 6 से 35 और 7 से, ठीक है, बिल्कुल सही है। आई थिंक आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि हमने क्या किया है। दोस्तों यहाँ पर हमने किया है 1 का स्क्वायर -1 तो 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 तो मतलब 8, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 घटाओगे तो 35 आएगा, लेकिन 7 का स्क्वायर 49 - 1 करोगे तो आना चाहिए था 48, जो कि नहीं दिया हुआ यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 50 नहीं होगा इसका आंसर, आंसर होगा यहाँ पर 48, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन समय शुरू होता है, बताइए आंसर सभी लोग जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, देखिए आसान से क्वेश्चन है कि ग्रेटर का मतलब प्लस है तो प्लस कर दीजिए। 81 में डॉलर का मतलब डिवाइड है तो डिवाइड कर दीजिए 9 में, और लेस का मतलब -7 बराबर 2 आ रहा है क्या? अच्छा बराबर का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये करेंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा माइनस में, और 31 में प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। 40 में 14 घटा दीजिए, आंसर बोलिए सभी लोग, सही करा ना? चालीस में 14 घटाने पर कितने मिलता भाई? 31 ग्रेटर का मतलब क्या है प्लस, प्लस का 81 मतलब डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पर डिवाइड बाय 9 में लेस किया यानी कि माइनस किया कितना 7, और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 7×2 = 14, ये हो जाएगा 9, ये माइनस ये प्लस, ये क्या गड़बड़ है भाई? आज के ऑप्शन काफी मिसप्रिंट है क्या? क्योंकि ये हो जाएगा आपका 40 में 14 घटा दो 66 तो नहीं आएगा, 26 होगा, 26 ही होगा भाई। एक काम करो 66 की जगह लिखो वहां पर 26, ठीक है, 66 की जगह लिखो आप 26, क्योंकि यहाँ पर 26 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी में कर लो 66 या 26, ऐसा कर लो इसको। वो 26 होना चाहिए लेकिन वो 66 प्रिंट हो गया शायद, है ना 26। चलिए अगला क्वेश्चन समय शुरू होता है, बताइए इसका आंसर सभी लोग जल्दी से। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया होगा कि छोटे नंबर से बड़ा वाला नंबर बनाया जाता है, तो छोटे नंबर से ही बड़ा वाला नंबर बनाना है आपको, ठीक है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना है। चलिए देखिए, सो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 6 का स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर करें, तभी बनेगा 36 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 81। सबको जोड़ो जरा, 230 आ रहा होगा, 6×4 = 10, हाँ बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये वाला तो सही हो गया। इसका बताइए, यहाँ भी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करने पर 110 आ रहा होगा, तो लास्ट वाले में भी क्या करोगे 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पर 81 प्लस 36 प्लस 25 और प्लस 16। 81 प्लस 36 6×6 = 12, 5×7 = 17 और हासिल 1 8, 158 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 81 प्लस 36 25, अरे 25 के बाद 16 तो 6×6 = 12 और 7, 6×6 = 12 12 7×7 = 17 और 1 18 18 के हासिल 1। 81 प्लस 36 प्लस 25, 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है, और 16 6×5 = 11 11 और 7 18 हासिल 1 8 और 1 9 9 तो 11 11 3 14 और 158, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी 158। अगला क्वेश्चन समय शुरू होता है, बताइए आंसर सब लोग, बिल्कुल सही है, सही है, करेक्ट है आंसर ऑप्शन नंबर डी 158, बिल्कुल सही। चलिए ये बताइए, पेन का कुछ हिस्सा किसमें है? स्लेट में है। कोई भी स्लेट जो है वो पेंसिल में नहीं जा सकता, सारे के सारे पेंसिल जो है वो इरेजर में है। कुछ पेंसिल स्लेट है क्या? ना तो है ना ही कभी हो सकती है, क्योंकि स्लेट कभी पेंसिल में जाएगा, पेंसिल कभी स्लेट में जाएगा, 100% गलत है। कुछ इरेजर पेन है, इरेजर का कुछ हिस्सा पेन में ना तो दिख रहा है लेकिन जा सकता है। डाउटफुल में गलत कर दीजिए, आंसर आएगा दोनों गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नाइदर वन नॉट टू, ना तो पहला ना तो दूसरा। अगला क्वेश्चन बताइए सभी लोग, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, समय शुरू होता है, बताइए आंसर सभी लोग जल्दी से। देखिए यहाँ पर ये डंडी इस तरफ थी, उसके बाद ये जो डंडी है ये आ गई सीधे यहाँ पर क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, फिर ये फिर आगे गई 45 डिग्री, ठीक है, फिर ये आगे गई है 135 डिग्री, फिर ये आगे गई है 45 डिग्री, तो अब ये जाएगी 180, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले 90 डिग्री चला घड़ी की दिशा में, फिर 45 डिग्री चला घड़ी की दिशा में, फिर 135 डिग्री चलेगा घड़ी की दिशा में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ, और उसके बाद यहाँ से यहाँ चला गया 45 डिग्री, तो अब कितना चलेगा यहाँ से 180 डिग्री चलेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आज का आपका सेशन, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन में अच्छा लगा होगा। एक ब्रेक के बाद हम आए हैं दिवाली के बाद, होप सो आपने पढ़ाई छोड़ी नहीं होगी, दिवाली भी इंजॉय करी होगी और पढ़ाई भी साथ साथ करी होगी। सो आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि इस क्लास का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स के लिंक में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, वहां पर मैंने लिंक लगवा दिया, सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड दोस्तों यूट्यूब पर क्लासेस का टाइमिंग आपको सामने दिख रहा है, अनअकेडमी क्लास का टाइमिंग अभी आपको सामने दिख रहा है, सभी लोग इसको देख लीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन अगर किसी को लेना ले लीजिए, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। बैंक SSC दोनों का ही सब्सक्रिप्शन हाइक होने वाला है, आप लोग कंप्लीट रीजनिंग के बैच के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर अनअकेडमी पर जाके SSC गोल के अंदर मेरा नाम सर्च करिएगा, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन क्लिक करना है, क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे, फीस स्ट्रक्चर दिखता है, फीस स्ट्रक्चर देखने के बाद CHATUR10 का कोड लगा दीजिएगा, CHATUR10, और इसको लगा देने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस जितनी भी मेरी अनअकेडमी पर क्लास होती है 5 बजे, और जो हम क्विज कराते हैं उससे भी आपको मिलेंगे कॉइंस अनअकेडमी के, जिससे आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड टेक केयर।